चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मध्य पूर्व में जारी तनाव को खत्म करने के लिए एक नए फोरम को बनाए जाने की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही वांग यी ने ईरान को चीन के समर्थन की बात एक बार फिर से दोहराई। पिछले कुछ सालों से चीन और ईरान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। ईरान मध्य पूर्व की एक बड़ी ताकत, सऊदी अरब के साथ यमन में छिड़ी लड़ाई, इराक में दबदबा बनाने की जंग और अमेरिका के प्रतिबंधों को सऊदी समर्थन जैसे मसलों पर भिड़ा हुआ है। ईरान के साथ चीन के रिश्ते ऐसे वक्त में मजबूत हो रहे हैं जब अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं। चीन और ईरान के बीच एक बेहद महत्वाकांक्षी समझौता दस्तखत होने की कगार पर है। ऐसे में चीन ईरान की दोस्ती की पींगे बढ़ाना अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी की तरह से है। माना जा रहा है कि चीन और ईरान के बीच होने वाले इस महत्वाकांक्षी समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध बेहद गहरे और मजबूत हो जाएंगे। दूसरी ओर ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनाव का दौर जारी है। अमेरिका जहां लगातार ईरान को वैश्विक परिदृश्य में अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है और यह हालिया संभावित समझौता मध्य पूर्व में अमेरिका की नीतियों पर गहरा असर डालने वाला साबित हो सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों पर असर डालने की कोशिशों में रूस के साथ चीन और ईरान का भी नाम आ रहा है। ऐसे में अगर ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो अमेरिका के लिए स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ जाती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के चेयरपर्सन प्रोफेसर गुलशन सचदेवा कहते हैं कि अमेरिका के चीन के साथ रिश्ते पहले से ही मुश्किल दौर में हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जैसा रोल चीन पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका का देखता है, उससे उसे इस इलाके में तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में अपने हितों को लेकर चिंता पैदा होती है। चीन और अमेरिका दोनों ही इस इलाके में एक दूसरे के दबदबे को कायम होते नहीं देखना चाहते। चीन और ईरान के होने वाले इस अति महत्वाकांक्षी समझौते का ब्यौरा पहली बार जुलाई की शुरुआत में सामने आया था। फारसी भाषा में लिखा यह 18 पन्नों का ड्राफ्ट लीक हो गया था और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। इस प्रस्तावित समझौते में कहा गया है, दोनों पार्टनर व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और सुरक्षा के क्षेत्रों में एक दूसरे को रणनीतिक भागीदार मानेंगे। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें लेकर अमेरिका का आशंकित होना स्वाभाविक है। जेएनयू के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर विशाल गोबले कहते हैं कि यह पूरी जंग मध्य पूर्व में दबदबे की है। गोबले के अनुसार कोल्ड वॉर के वक्त US और रूस के बीच कम्युनिस्ट विचारधारा और पूंजीवाद को लेकर जंग थी। मौजूदा वक्त में भी कुछ वैसा ही माहौल है, लेकिन इस बार विचारधारा को लेकर हावी होने का मामला नहीं है। गोबले कहते हैं कि चीन का बर्ताव बेहद अलग है। चीन का सीधा मतलब बिजनेस से है, उसे मानव अधिकार जैसी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने 5 जुलाई को इस बात की पुष्टि की कि ईरान और चीन एक 25 साल की डील पर बातचीत कर रहे हैं। लीक हुए ड्राफ्ट के मुताबिक इस डील के साथ ही एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टरों में ईरान में चीन के अरबों डॉलर के निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। इस ड्राफ्ट में हथियारों के विकास, खुफिया जानकारियों को साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे मामलों में भी चीन और ईरान के बीच संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि इस डील से ईरान को चीन से $400 अरब तक का निवेश हासिल हो सकता है। ईरान पहले से ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। चीन के साथ समझौते को लेकर ईरान में भी विरोध हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद समेत कई राजनेता इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत 2016 में ईरान की न्यूक्लियर डील होने के बाद शुरू हो गई थी। उस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान का अपना ऐतिहासिक दौरा किया था और सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के साथ मुलाकात की थी। हालांकि इस समझौते पर अभी तक ईरान की संसद से हरी झंडी नहीं मिली है और ना ही इसे सार्वजनिक किया गया है। इसके अलावा फारसी भाषा में लिखे गए इस लीक ड्राफ्ट की वैधता की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चेतावनी दी है कि चीन ईरान की इस दोस्ती से मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा होगी। 2001 से ही युद्धों पर खर्च किए गए अरबों डॉलर, 8 लाख से ज्यादा लोगों के मरने और लगातार बनी हुई अस्थिरता के चलते मध्य पूर्व में अमेरिका को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रोफेसर सचदेवा कहते हैं कि असली मसला यह है कि अमेरिका का पूरी दुनिया में दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है।
दुनिया के तमाम मसलों में उसकी शिरकत कम हो रही है। दूसरी ओर चीन लगातार अपनी हैसियत बढ़ाने में जुटा हुआ है, इसे लेकर दोनों में टकराव बढ़ गया है। गोबले कहते हैं कि अमरीका की चिंता केवल अपनी इकोनॉमी को लेकर नहीं है, उसे अपनी श्रेष्ठता को भी बरकरार रखना है। अमरीका का इस पूरे इलाके में लाखों करोड़ डॉलर का निवेश है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चीन इस इलाके में खुद को स्थापित करना चाहता है और अमरीका के खाली किए गए स्थान को भरना चाहता है? प्रोफेसर सचदेवा कहते हैं कि अभी तक चीन की कहीं भी अपनी सेनाएं भेजने की नीति नजर नहीं आ रही है। चीन दुनिया के अलग अलग जगहों पर आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में भी उसके इन चीजों से जुड़े हुए हित हैं। चीन अपने आर्थिक हितों तक ही सीमित रहेगा। हालांकि गोबले कहते हैं कि ऐसी खबरें आई हैं कि चीन ने सीरिया में एक स्पेशल बटालियन भेजी थी। अमेरिका और चीन के बीच जारी भू राजनीतिक टकराव के दौर में इस बात के आसार कम ही हैं कि चीन ईरान को अलग थलग करने के अमेरिकी एजेंडे के आगे झुकेगा, बल्कि हकीकत तो यह है कि चीन पहले से ही खुल्लम खुल्ला ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है। वह ईरान से तेल समेत दूसरी चीजों की लगातार खरीदारी कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन ईरान को ट्रंप प्रशासन के जबड़े से निकालने की कोशिश के तहत ये कदम उठा रहा है। ईरान और चीन अगले कुछ महीनों में शायद इस डील पर दस्तखत कर देंगे। ईरान के लिए यह समझौता एक लाइफलाइन के जैसा होगा, खासतौर पर अगर ट्रंप दूसरी पारी के लिए चुन लिए जाते हैं तो ऐसे हालात में यह डील ईरान के लिए बेहद मददगार साबित होगी। दूसरी ओर चीन के लिए ईरान शतरंज की एक बड़ी बिसात का एक मोहरा भर है।